बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं और मेरे साथ दोस्त हैं मेरे, इनका नाम भी फैसल है। हम दोनों ने अपने काफ़ी दोस्तों की फरमाइश पे आज ये फ़ैसला किया है कि हम लोग जो अपना चैनल है FM बर्ड्स एंड एनिमल्स वाला, उसको दोबारा इंशाल्लाह उस पर मेहनत करेंगे, डेली उस पर व्लॉग्स वगैरह बनाया करेंगे। अपने जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने 8-10 साल में कलेक्ट की है, वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। एक और भी रीज़न थी इस चैनल को बनाने की, एक तो मेरे दोस्तों की काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की फरमाइश थी, और दूसरा ये था कि मैंने देखा है कि वीडियोस तो काफ़ी लोग जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं बर्ड्स रिलेटेड, लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो बहुत कम लोगों के पास हैं जो वो अपलोड करते हैं। तो एक ये भी रीज़न थी कि मैंने सोचा, मैंने और मेरे ये दोस्त हैं, इनका नाम भी फैसला है, हम दोनों ने सोचा कि यार हमारे पास चूँकि चैनल भी है, हमारे पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस भी है, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना फार्म भी है, तो हम जो है वो डेली व्लॉग करें, डेली जो है वो आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें, और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो पहले आपने कभी किसी चैनल से नहीं, मेरी अपनी आप बीती जो है वो मैं आपसे बयान करूँगा, ऐसी आप बीती जो आपने पहले कभी किसी चैनल से नहीं सुनी होगी या ना देखी होगी, और ना सिर्फ बर्ड्स बल्कि एनिमल्स में भी, किसी भी किस्म का जो एनिमल है, उस हर किस्म के एनिमल से रिलेटेड जो है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह पूरे व्लॉग बनाऊँ, आपको अपने बर्ड्स अपने एनिमल्स भी दिखाऊँ, और इंशाल्लाह अपना चैनल भी जो है इंशाल्लाह वो चलाएं, और इस सब चैनल पे जो है वो आप दोस्तों की सपोर्ट है, आप दोस्तों का प्यार है, आपके प्यार और आपकी सपोर्ट की ही वजह से हमें जो है वो मज़ीद जो है वो हिम्मत मिलती रहेगी कि हम मज़ीद अपनी वीडियोस जो है वो इंशाल्लाह बनाएं। और फैसल भाई, एक चीज़ का इजाफा कर दूं कि आप ये भी इनको बताएं कि हम इंशाल्लाह कुछ तारीखी मकामात पर भी जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नाज़रीन को जो है ना हम इस तरह की मकामात दिखाएँ ताकि वो भी एंटरटेन हो। जी बिल्कुल, हमने इंशाल्लाह कोशिश की है कि ये जो हम जिस सिटी में रहते हैं इसका नाम है डस्का, तहसील डस्का, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है, और इसमें बहुत सी तारीखी वाक़यात हैं जो ये अपने अंदर समाये हुए हैं। इंशाल्लाह इन सारे तारीखी वाक़यात, इन सारे तारीखी मुकामात से इंशाल्लाह आप सबको भी जो है वो आगाह करेंगे, आप सबको भी जो है वो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, ना सिर्फ बर्ड्स बल्कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम ऑल राउंडर बन के इस चैनल को चलाएँ ताकि हर किस्म की जो है वो चीज़ आपके सामने हम लोग बयान कर सकें, हम लोग बता सकें आप सबको, आप लोगों के भी नॉलेज में जो है वो इजाफा होगा इंशाल्लाह। और आप लोगों के पास भी अगर एनिमल्स के रिलेटेड अगर आपने एनिमल्स रखे हैं या परिंदे रखे हैं तो आप हमें कमेंट्स में, आप हमें हमारे साथ कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि यार अगर उनको कोई मसला है, कोई उनको कोई बीमारी है, उनकी केयर कैसे करनी है, उनकी ब्रीडिंग कैसे लेनी है, और इसके हवाले से जो भी मालूम होंगी इंशाल्लाह ताला हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और कोशिश करेंगे कि रियलिटी बेस हो, क्योंकि कुछ लोग YouTube पे ऐसे हैं कि जो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए लोगों को गलत गाइड कर देते हैं, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो हमने सोचा कि हम आप लोगों को इस चीज़ से हमने दूर करना है और आपको रियलिटी बेस्ड जो हकायक हैं वो आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, और ये देखिए जी, हमारे पीछे आप व्यू देख रहे होंगे माशाल्लाह जी, बिल्कुल प्योर जो देसी देहाती जो होता है ना, ये वो व्यू है, और यहाँ पे जगह सिर्फ यही थोड़ी सी बची है कि जहाँ पे ये आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है जी, क्यों ही फैसल भाई ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये आपको दिखाते हैं पीछे जी, ये देखिएगा, ये बिल्कुल खाली होता था, ये पीछे जो आप देख रहे हैं बनी हुई है, सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, बिल्कुल खाली होता था, यहाँ पे कुछ नहीं होता था, यहाँ जिस तरह आप यहाँ पे ग्रीनरी देख रहे हैं इसी तरह था ये, तो माशाल्लाह से अब डेवलप हो गया सारे का सारा, और ये थोड़ा सा ये बचा है जी, ये देखिए जी। तो और फैसल भाई, नाज़रीन के लिए कुछ आपने कहना हो? जी मैं नाज़रीन को सिर्फ लास्ट पे यही बोलना चाहूँगा कि हमारे साथ टच में रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह हमें सपोर्ट करें, आपको वाकई आपकी सपोर्ट का हक इंशाल्लाह अदा करेंगे। जी बिल्कुल, आपको वाकई इंशाल्लाह पता चलेगा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, सिर्फ आपका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, तो अभी आपको बताते चले कि अभी हम थोड़ी देर तक बस फ्रेश हो गए, रमज़ान है तो जारी बात है तैयारी वगैरह भी करनी होती है, तो फ्रेश हो के हम एक जगह पर जा रहे हैं, आपको एक गाँव जा रहे हैं, आदम की गाँव है,
और आपको थोड़ा सा उसका व्यू भी दिखाएंगे, थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। जा क्यों रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि हमने कुछ सोचा था कि दो तीन तीन चार पेड़ जो है ना, वो एक इनका फैसल भाई का दोस्त है तो उन्होंने रखे हुए हैं घर में, तो हमने सोचा यार दो चार जो पेड़ हैं वो परचेज़ कर लिए जाएँ और साथ में आपको जो है उनके गांव की थोड़ी सी झलक दिखा दें। जी इंशाल्लाह परचेजिंग करने जा रहे हैं, होगो रोमो के पीस इंशाल्लाह परचेज़ करेंगे, TCB के कोई जो भी उसके पास कोई अच्छा पीस होगा इंशाल्लाह वो जो पसंद आएगा इंशाल्लाह वो परचेज़ करेंगे। और ये जी व्यूवर्स, हम रोड पे आ चुके हैं। ये डस्का का एक बहुत प्यारा गांव है, मंदरा वाला, बहुत मशहूर गांव है ये। अभी हम उसको क्रॉस करके जा रहे हैं आदम की, जहाँ पे हमने बजरी तोतों को कि उनकी ख़रीदारी के लिए हम जा रहे हैं। तो ये फैसल भाई हैं मेरे साथ और मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो हम निकले हुए हैं जी बस। और उनके आगे एक बेटी है छोटी, वो बैठी हुई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये शादी वाली एक गाड़ी है दूल्हा की, तो ये भी बस अपनी मंजिल को जा रहा है जिस तरह हम जा रहे हैं। हम तो खैर जा रहे हैं करने के लिए, बजरी तोतों को लेने के लिए। तो ये जी एक और दोस्त हमारे साथ मिल गए हैं, जिनके पास जिन्होंने जो बिज़नेस करते हैं इसका, बजरी तोतों का, और उनके घर की तरफ जा रहे हैं। लें जी, अब हम आ गए हैं उनके घर में। ये माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप रखा हुआ है। ये आप लव बर्ड देख रहे हैं, वो बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह से, और बहुत खूबसूरत इनका सेटअप है। ये जी बजरी तोते हैं, ठीक है जी। और ये हम ख़रीदने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं कि कौन सा हम लें कौन सा ना लें। तो ये जी लव बर्ड्स हैं इनके, ये उनका सेटअप है एक, बहुत प्यारा माशाल्लाह जी। और ये नीचे बजरी तोते हैं माशाल्लाह से, इनके भी बच्चे छोटे छोटे निकले हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत कमाल ये नज़ारा है। और वो माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस है इनकी। ये ऊपर लव बर्ड्स हैं, और ये बड़ी एक यूनिक चीज़ है, होगोरोमो ये एक है, नस्ल है। तो माशाल्लाह इनको हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, तो ये भी हम इंशाल्लाह ताला लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इनकी क्या प्रोग्रेस।